मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम ने थोड़ा मिजाज बदला तो लोगों को ठंड का एहसास भी कुछ ज्यादा ही हुआ। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अगले 2-3 दिन मौसम में ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में 5 से 7 तारीख के बीच में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश की भी संभावना है। राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, चंबल, खजुराहो, सीधी, जबलपुर के अधिकांश जिलों में कोहरा छाया हुआ है। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में कोहरा छाया हुआ था, वही आज भारत के जो है मध्य प्रदेश की राजधानी तक पहुंच गया है और काफी घना कोहरा भोपाल में छाया हुआ है। और सुबह जो है न्यूनतम विजिबिलिटी 10 मीटर तक हो गई थी और अभी भी जो है थोड़ी सी विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास पहुंची है। तो और पूरे आपके जो मध्य प्रदेश के जो है अधिकांश जिलों में, संभाग में जो है कोहरा छाया हुआ है। और अभी यह है कि दिन में भी थोड़ा सा रहेगा, कम उसकी हो जाएगी, मगर वो कोहरा छाया रहेगा। और तापमान भी जो है तो जो न्यूनतम तापमान भी जो है सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। वो सबसे कम जो है न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जो है आपके खजुराहो और ग्वालियर में दर्ज किया गया है। और सबसे अधिक तापमान जो है खरगोन में 30.2। और बाकी जो मौसम के बारे में ये है कि अभी 2-3 दिन तो अभी मौसम में ठंडक बनी रहेगी या कोहरे का असर रहेगा। बारिश का अलर्ट दिया गया है 6-7 तारीख को, है हल्की सी वर्षा, हल्की बूंदाबांदी की संभावना जो है आपके ग्वालियर और सागर और जबलपुर संभाग के जिलों में, भोपाल संभाग के जिलों में होने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश में रीवा और शहडोल में बारिश का अलर्ट के साथ कई जिलों में कड़ाके की ठंड का दौर भी अब शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से कई जिलों में पारा गिरेगा। खजुराहो और टीकमगढ़ इलाके में तीव्र शीत लहर चलेगी। दिन का सबसे कम न्यूनतम तापमान खजुराहो में 9, सीधी में 9.2, रीवा में 9.4, दतिया में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज से 4 जनवरी के बीच कहीं कहीं घने कोहरे और वर्षा के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।